आम्हाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला या ठिकाणी निमंत्रित केलं श्री दर्शनाचा लाभ घेण्यासाठी. तो असतीलच या ठिकाणी दिसतो, बाकी बाहेर कुठे दिसतच नाही, कारण की जागा कोणी सोडलेलीच नाहीये झाड लावण्यासाठी. खूप छान दिसतंय, हिरवगार सगळं दिसतंय, मला खूप आवडलंय. असंच आपल्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये पाहिजे, पण काय राहिलेलं नाही सगळ्या जमीन. त्यांनी शिवम परिवार हे जिथे शाखा होतील तेथेच आमचं ऑफिस आहे, तर त्या माध्यमातून आम्ही सामाजिक काम चालू ठेवलेले आहे, तर त्याचा लाभ घ्यावा अशी आपणास विनंती करतो. किरण सोसायटीतील सर्व सदनिक धारकांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देतो. तसेच किरण सोसायटीतील कार्यकारिणींनी शिवम परिवार ह्या आमच्या संस्थेला सत्यनारायणच्या पूजेचे 25 वर्ष पूर्ण झाले, त्यामुळे सत्यनारायणच्या पूजेचे जे निमंत्रण दिले त्या निमंत्रणास मान देऊन आम्ही सर्व शिवसेनेचे पदाधिकारी त्या निमंत्रणास मान देऊन उपस्थित राहिलो. त्यांनी आमचा मान सन्मान केला, त्याबद्दल कार्यकारिणीचे तसेच सर्व सदनिकाधारकांचे मी आभार मानतो. आणि इथून पुढे कोणत्याही सोसायटीतील समस्या असतील तर किरण सोसायटीच्या सदैव आम्ही पाठीशी आहोत. तसेच आमचे कार्यकर्ते श्रावण चव्हाण हे उपस्थित कायम संघटनेच्या माध्यमातून या सोसायटीत कार्यरत असतात. तर इतर सर्व सदनिकाधारकांनाही आम्ही सांगू इच्छितो की कोणतेही काही कामं असतील तर त्यांनी शिवम परिवारशी संबंध साधावा. एवढं बोलतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शिवसेना शाखा क्रमांक 9 शाखा प्रमुख विनोद राजे शिर्के आज या सोसायटीला एक शुभेच्छा भेट देण्यासाठी ते आलेलो आहे. प्लॉट नंबर 168. सर्वांना जय महाराष्ट्र. प्लॉट नंबर 168. माझं नाव विनोद राजे शिर्के, शिवसेना शाखा नंबरचा शाखा प्रमुख म्हणून इथे कार्यरत आहे. आज आम्ही या सोसायटीला सदिच्छा भेट पूजेनिमित्त दिलेली आहे. त्यांचं 25 वर्ष चालू आहे, त्यानिमित्त सोसायटीने इथं भरघोष असा कार्यक्रम त्यांनी केलेले आहेत. आज सोसायटीमध्ये पूजा वगैरे करणं म्हणजे ॲक्च्युली लोकांना एकत्र आणण्याचा हा त्यांचा एक प्रयत्न असतो सोसायटीचा. त्यानिमित्ताने लोक म्हणजे महिला असू दे, मुलं असू दे, पुरुष मंडळ असू दे, ते एकत्र येऊन एक दुसरी मतांची देवाणघेवाण ह्या निमित्त होते. त्यानिमित्ताने ह्या सोसायटीमध्ये पूजा केल्या जातात. सुनील शिंदे, अन्याय निवारण सामाजिक संस्था अध्यक्ष. ये गोराई में जो 200 गृहनिर्माण संस्था है उसमें से ये किरण गृहनिर्माण संस्था है, जो सोसाइटी को लगभग 25 साल गए साल पूरा हो गया. ये 26वां साल है उनका, और पिछले 25 साल से लगातार ये गृह निर्माण संस्था में सब लोगों को एक साथ लेके जो सत्यनारायण की महापूजा करते. इसका पीछे का एक मेन कारण ये रहता है कि सोसाइटी की सब लोग जो मुंबई में रहते हैं उनको अपने पूरे दिन में किसी से मिलना जुलना होता नहीं है, साल भर में किसी से मिलना जुलना. तो ये जो हिंदू संस्कृति अपन जपते हैं, जो जिसके कारण हम ये पूजा या कोई त्यौहार मनाते हैं, ये सब एक सब लोगों को एक साथ आने के लिए बहुत उपयोगी होता है. और ये किरण गुरु निर्माण संस्था के जो सभासद है, जो कमेटी पे है, जैसे हमारे श्री श्रावण चव्हाण साहब है और अन्य जो कमेटी मेंबर है, इन्होंने ये सोसाइटी में बहुत अच्छा स्लोगन रखा है और एकजुट के साथ ये रहते हैं. और इनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले कई वर्षों और बहुत सारे वर्षों में इन्होंने ऐसे ही एक साथ रह के ऐसी अपनी संस्कृति जतन करे और देश का नाम और गोराई का नाम रोशन करे. मैं एडवोकेट अभोया घनश्याम सोनोने, किरण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, रूम नंबर 10. हाँ, यहाँ अभी सिल्वर जुबली मना रहे हैं. रौप्य महोत्सव हमारा जो सोसाइटी है किरण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उनका यह सिल्वर जुबली चालू है. और हमारे पूरे किरण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की ओर से बड़े होश और जल्लोश से ये हमारा सिल्वर जुबली मना रहे. मैंने यहाँ पे 2004 में मेरा खुद का रूम लिया है और यहाँ सोसाइटी में पूरे सहकारी संस्था जो है, ये सहकारी संस्था
पूरे जो नाम होता है सहकार, ये सहकार सब सोसाइटी के, हमारा जो सोसाइटी वो सब सदस्यों में ये सहकार है और सभी अच्छी तरह से रहते हैं। कभी कुछ होता भी है लेकिन जो निसर्ग नियमों के मुताबिक जो संकट आता है उस संकट को सभी मिल के ये सामना करते हैं और सब एक जन एक हो जाते हैं। ये जो हमारा किरण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की ओर से सिल्वर जुबली मनाए जा रहे हैं, उसी सिल्वर जुबली के लिए हमारी पूरी सोसाइटी की ओर सभी को शुभकामनाएं मैं देती हूँ, सभी को आशीर्वाद देती हूँ और सभी का सभी के मन में, सभी के घरों में, सभी के दिलों में सब सुख शांति आरोग्यदायी हो जाए, ऐसी मैं शुभकामनाएं इस सिल्वर जुबली के अवसर पे देती हूँ सभी को। नाम है श्रावण लक्ष्मण चौहान। ये कार्यक्रम करीब 15 साल से चालू है और ये साल इनका 25वां साल गिरा है ये संस्थे का, किरण सहकारी गृह निर्माण संस्थे का। इसके लिए हमारे सब सभासद के शुभ कार्य से, शुभ मदद से, सहकार्य से ये आज का कार्यक्रम हम संपन्न कर रहे हैं। ये कार्यक्रम की खासियत यह है कि इस कार्यक्रम से हमारे में जो एक दूसरे के पास, एक दूसरे के तरह, एक दूसरे में एक बंधुभाव और प्रेम वार्तालाप होना चाहिए और जो एक सहभोजन स्नेह सम्मेलन ये होने का इसका एक हमारा इरादा रहता है और सब मिलजुल के काम करेंगे, एक हो गए तो एक कौन सा भी काम अच्छी तरह से हो सकता है। एक बंधुभाव बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम मैंने संपन्न करने के लिए मेरे पदाधिकारी ने मुझे मदद की है, इसके लिए मैं पदाधिकारी का, सब लोग का मैं धन्यवाद मानता हूँ। हमारे सोसाइटी का नाम है किरण, जैसे सूर्य का किरण सब जगह तक, सब जगह पहुँचता है, ऐसा ही एक किरण का नाम सब जगह जाना चाहिए। कोई बंधुभाव की तरफ से आज हमारे सोसाइटी में ये जो जो माहौल जो आप देख रहे हैं वो माहौल एक ही का माहौल है। हम आपस में कितने में ये करेंगे, बखेड़े करेंगे फिर, लेकिन जो प्रोग्राम जो है वो एक साथ मिल के करते हैं और एक साथ रहते हैं हम लोग। एक ही का उदाहरण देने का होएगा तो ये हमारी सोसाइटी है। सोसाइटी का चेयरमैन है मैं, मेरा नाम है श्री आनंद गोविंद पुराड़े। हम इस सोसाइटी में सब लोग मिलजुल के कोई भी समस्या होएगा उसका हल निकाल दें और वो पूरी करके सबका सहयोग से पूरा कर देते हैं। ऐसा ही हमको मिलजुल के आज हमको इधर 25 साल हो गए, 25वां साल गिरा मना रहे हैं हम लोग और इसमें सब सभासदों का सहयोग बहुत है। मी उभा राहणार आहे तर तुम्ही लक्ष द्या, तुमच्या बदलाच एक